बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद नेचर और मैं हूँ साइमा। आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एक फार्मूला क्रीम जो सिर्फ आपके हाथ और पाँव को बहुत गोरा करेगी। उसके अलावा अगर आपकी जो हैं एल्बो कोनियाँ जो होती हैं या फिर टखने होते हैं या घुटने होते हैं जो ब्लैक होते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यह बहुत ज़्यादा साफ़ करेगी, फेयर करेगी हाथों को भी, क्योंकि मुंह पे तो बहुत सारी क्रीम्स हम मेडिकेटेड यूज़ करते हैं बट हैंड्स के लिए वो एक तो एक्सपेंसिव होती हैं और दूसरा इतनी जल्दी वर्क हैंड्स पे नहीं करती है, क्योंकि जो है हाथों और पाँव की स्किन थोड़ी सी होती है ज़रा सख्त, तो उसके ऊपर इतनी जल्दी वर्क नहीं करती है। तो उसके लिए ये मैं एक फार्मूला क्रीम बनाऊंगी। लेकिन जो है ये याद रखिएगा, ये फार्मूला क्रीम सिर्फ आपने हाथों और पाँव पे इस्तेमाल करनी है और फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर जो डलेगी बेटनोवेट ये स्किन के लिए, स्पेशली जो फेस स्किन होती है उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो है केमिकल बेस्ड क्रीम है, तो ये आपकी जो है फेस की स्किन जो है वो ख़राब करेगी। ये डॉक्टर किसी उस पर प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारी कंडीशन पर होता है, लेकिन आपने इसको फेस के ऊपर इस फार्मूला क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये मैंने इसीलिए स्टार्ट में कह दिया क्योंकि एंड तक बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते और उसको जो है बना लेते हैं, बाद में उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो फ़ौरन व्यूज़ आ जाते हैं, कमेंट्स करना सॉरी शुरू कर देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं आपके लिए बना रही हूँ फार्मूला क्रीम, ये आपने बिल्कुल भी फेस पे यूज़ नहीं करनी, सिर्फ हाथों और पाँव पे यूज़ करनी है। आपके हाथों और पाँव को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा गोरा करेगी, बहुत क्लियर करेगी, क्योंकि बहुत सारे जो हैं पाँव पे भी सन टैन बन जाते हैं और हाथ भी इसी तरह आपके बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो ये उसके लिए बहुत एक इफ़ेक्टिव क्रीम है। और इसमें ये जितनी आप क्रीम देख रही हैं ये सारी नहीं डालेंगे, अगर आपके पास स्टिलमेंस अवेलेबल है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास वाइट गोल्ड क्रीम अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चूज़ करनी है, सब आपने सारी क्रीम्स यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो है कुछ क्रीम मिलती हैं कुछ नहीं मिलती। ये है वाइट गोल्ड क्रीम, अगर आपको ये मिल जाती है आप ये यूज़ कर लें। ये नहीं मिलती निसा एक्स्ट्रा ग्लोइंग क्रीम, अगर ये मिल जाती है तो ये यूज़ करें। अगर ये भी नहीं मिलती तो रिवाज वालों की रिवाज यूके वाइटनिंग क्रीम है, एक अच्छी क्रीम है और इसमें कोई भी स्टीराइड्स यूज़ नहीं हुआ हुआ। और दूसरी बात ये है कि मरकरी फ्री है, इसमें मरकरी भी नहीं यूज़ हुआ हुआ। और मरकरी का टेस्ट करने के लिए आप जो हैं गोल्ड की कोई चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप जब इसके अंदर रब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर मरकरी है कि नहीं, क्योंकि अगर मरकरी होगी तो वो ब्लैक हो जाता है फ़ौरन से। अच्छा, ये भी एक अच्छी क्रीम है जो है, इसमें ज़्यादा काम जो फेयरनेस का करती है कोजिक एसिड करता है, तो इसके अंदर कोजिक एसिड भी है, बाकी जैसे बीज वैक्स और जो चीज़ें हर्बल एक्सट्रैक्ट और सनस्क्रीन एजेंट डाले हुए हैं, तो ये चीज़ें इसके साथ साथ होती हैं, बट ज़्यादा जो फेयरनिंग का काम करती है फेयरनेस का वो कोजिक एसिड होती है। तो ये 350 की है रिवाज यूके वालों की, प्राइस इसके ऊपर तो मेंशन नहीं है बट 350 की ही मुझे मिली है। और इसी तरह ये है निसा एक्स्ट्रा ग्लोइंग क्रीम, 220 की है और स्टिलमेंस जो है ये 180 से 200 तक मिल जाती है, रिमूव फ्रेकल पिंपल स्पॉट एंड रिफाइन द पोर्स, ठीक है। अब इन सब क्रीम में से मैंने आपको बताया है, ये मेरे पास अभी तीन क्रीम हैं, इनका मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं बनाना, इनमें से सिर्फ एक क्रीम जो भी आपको मिलती है आप वो चूज़ कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक जार लिया, एम्प्टी जार लें जिसके अंदर आपने ये मिक्स करनी है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है और कोशिश करनी है, जब आप मिक्स कर रहे हैं तो आप ये स्पून यूज़ ना करें, वुडन स्पून यूज़ करें, तो मेरे पास नहीं है, प्लास्टिक की स्पून यूज़ करें। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें यूज़ करती हूँ स्टिलमेंस क्रीम, और स्टिलमेंस ब्लीच है या फ्रेकल है या फिर ये वाइट गोल्ड है, कोई भी इसमें से आपने थोड़ी सी ये ऐड कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आर्ची क्रीम होती है, ये कैले वालों की है और ये जो है
50 to 60 रुपीज़ की इजीली मिल जाती है। आर्ची भी होती है, ये भी होती है, डिफरेंट नेम है लेकिन चीज़ एक ही है, सेम है। तो ये भी बहुत अच्छी है क्रीम, वैसे भी आम बेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बेस के तौर पे भी लोग बहुत सारी यूज़ करते हैं, तो ये वाली आप यूज़ करें। ये मेड इन थाईलैंड होती है, ये जो भी आर्ची आती है, एक क्रीम आर्ची जिसका नेम होता है वो, और ये थाईलैंड में बनती है, यहाँ नहीं बनती। तो ये 60 रुपीज़ की मिल जाएगी, और बहुत थोड़ी सी होती है, ये बिल्कुल थोड़ी सी होती है, 5 ग्राम होती है। तो ये भी आपने थोड़ी सी ले लेनी है, इतनी सी बहुत है, ठीक है। ये आपने ऐड करनी है इसके अंदर, उसके बाद आपने बेटनोवेट क्रीम भी जो है आपने थोड़ी सी जो है ऐड करनी है। जितनी आपने ये क्रीम ली है इसका आधा हिस्सा यानी 1/2 टीस्पून आपने बेटनोवेट ऐड करनी है। ये आपके हाथ पांव बहुत फेयर कर देगी, बट ये ना कहिएगा कि जो है इसका बिल्कुल जो वाइट हो गए हैं ये असर रहेगा। ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जब आप छोड़ देंगे तो वो दोबारा वैसे ही हो जाता है, तो मेंटेन रखने के लिए थोड़ा आपको ज़रूरत पड़ती है, आप कोई ना कोई चीज़ यूज़ करते रहें। तो ये जिनके हाथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं या उनके एंकल्स बहुत ब्लैक होना ये चीज़ शुरू हो जाती है, और अगर सारे हाथों का कलर साफ़ सुथरा है, सिर्फ एंकल्स ब्लैक हैं, तो आपने ये क्रीम सिर्फ इन एंकल्स पे लगानी है, या फिर आपने वो घुटनों और टखनों के ऊपर नीज़ के एंकल्स पर भी लगानी है। और ये रिवाज वालों के वाइटनिंग कैप्सूल हैं, एक कैप्सूल ये आपने ऐड करना है। आधा तो नीचे गिर गया, अच्छा ये ऐड करना है आपने। यह आपके हाथों को बहुत साफ सुथरा जो है स्पॉटलेस बनाएगा। और उसके बाद एक आपने ईवियन का कैप्सूल, एवियन जो कैप्सूल होता है विटामिन ई का, बट उन्होंने ऐड करना है जिनकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो ऐड ना करें, या जिनकी जो है एड़ियां फटी हुई हैं, ये आपकी एड़ियों को भी ठीक करेगी, आपकी एड़ियों की भी स्किन जो है वो सही करेगी और बहुत ज़बरदस्त ग्लो देगी, बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। बट आपने याद रखना ये आपने फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, सिर्फ ये हाथों और पाँव के लिए एक फार्मूला क्रीम है, और ये जितनी क्रीम जैसे मैंने आपको बताया आप इसी तरीके से ऐड करें, बहुत सारी क्रीमों का और मिक्सचर नहीं बनाना। और ये आपने जो है रात को लगा लेना है हाथ और पाँव के ऊपर, आप देखिएगा विद इन वीक आपके हाथ और पाँव जो है वो बहुत ही साफ सुथरे हो जाएंगे, और उसके बाद आप बेशक छोड़ दें, और आप रेगुलर 1 मंथ यूज़ करें उसके बाद छोड़ दें, उसके बाद जब दोबारा आपके जो हैं हाथ पांव जो हैं दोबारा फैट होना शुरू हो तो आप दोबारा यूज़ करना शुरू कर दें। फिर आप वीक में एक दफ़ा यूज़ किया करें, रेगुलर ना करें, सिर्फ 1 मंथ रेगुलर करें, उसके बाद वीक में एक दफ़ा यूज़ करें, और आहिस्ता आहिस्ता मंथ में एक दफ़ा यूज़ करें ताकि आपका कलर स्टे रहे। और वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।